पहचान फरीदाबाद से मैं विशाल शहर की समस्याओं के साथ एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो आज मैं आ पहुंचा हूं भड़कल फ्लाईओवर पे। जी हाँ, भड़कल फ्लाईओवर की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है और इसका जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रशासन जो यहाँ पे लापरवाही दिखा रहा है वो है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साफ साफ पीछे यहाँ पर ये टूटा हुआ है, यहाँ पे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। सरकार ने सफेदी तो करवाई थी चुनाव से पहले, यहाँ पे आके इसको सुंदरीकरण के लिए इसकी सफेदी वफेदी करवा दी थी। ये पर्यावरण है, हम सबकी जान, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। और आपको आइए आगे दिखाता हूँ, इसलिए इसका सब करो सम्मान। तो मैं ये सरकार से सवाल उठाना चाहता हूँ कि यदि अगर उन्होंने यहाँ पर सुंदरीकरण के लिए सफेदी करवाई थी, इसको पेंटिंग करवाया था, इसको अच्छा बनवाया था, तो यहाँ पर ये टूटे हुए को क्यों नहीं, इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया गया, क्यों लोगों की जिंदगी के साथ एक लापरवाही दिखाई गई। अगर यहाँ से यदि कोई व्यक्ति आइए, मैं अपने कैमरामैन से ये गुजारिश करूंगा कि एक बार इस गड्ढे के यहाँ पे दिखाए कि यहाँ पर कितनी गहराई है। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में यहाँ से गिर जाए तो उसका बचना तो नामुमकिन के समान है। तो यही बात है, सरकार से अब सवाल यही उठता है कि क्यों आखिर खाली सफेदी क्यों करवाई, क्या नगर निगम के कर्मचारियों को ये सब नहीं दिखाई दिया कि ये पुल टूटा हुआ है, इस पुल को ठीक करवाया जाए, इसकी मरम्मत कराई जाए। अगर यदि यहाँ से कोई बड़ा वाहन जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने से ट्रक आ रहा है, वीडियो में आप ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि कितना हिलाव आ रहा है पुल के अंदर पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे ही ट्रक यहाँ से निकल के जाएगा तो एक वाइब्रेशन सी कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी, जो कि आम पुल में ना बहुत खतरे की घंटी है। तो लीजिए, अब मैं आ चुका हूँ भड़कल फ्लाईओवर के एक दूसरे कोने पे। तो आइए चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि सरकार ने हमारे इस भड़कल फ्लाईओवर के फुटपाथ को कितना सुरक्षित लोगों के लिए बना रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस फुटपाथ पे अभी तो ठीक ठाक चल रहा हूँ, पर लेकिन अरे सामने, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा सामने देखे कि सरकार ने यहाँ पर किस प्रकार के बड़ा सा गड्ढा बना रखा है। तो यदि अगर कोई यहाँ पे रात के वक्त चले और इस गड्ढे में गिर जाए तो चोट तो लगना निश्चित तौर पे है ही। तो ये थी समस्या भड़कल फ्लाईओवर की। तो शहर की और समस्याओं के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए टीम पहचान फरीदाबाद।